हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो ऐसे बहुत कुछ तो है नहीं, बट फिर भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद बनाई है। कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाई है, कुछ के लिए मैंने पैसे खर्च करे हैं, मतलब इन शॉर्ट की सामान खरीदा। मैंने सबसे पहले बनाया था वो है ये फ्लावर पॉट। ये बना है वाटर बॉटल से और इसके बाहर से मैंने ये जो सुतली होती है ना वो लगा दिया था और इसमें एक प्लांट भी है। देखो, नहीं तो मुझे सुतली नहीं बच गई और मुझे अच्छी लगी तो मैंने और फ्लावर पॉट्स बनाए, जैसे कि ये। इसमें थोड़ा सा डेकोर कर दिया, ये चीज़ बना दी, सुंदर सा अच्छा लगा है। और इसमें ये प्लांट है, ये दही का डब्बा है। चला एक और भी बनाया है, चलो देख लो कोई बात नहीं। ये इसमें ये ऐसे ऐसे थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है। ये बनाया है वेस्ट न्यूज़पेपर से। एक्चुअली ये एक पेन स्टैंड है जो अब फ्लावर पॉट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर डाल दिया है मैंने एक जो पानी का बॉटल का डब्बा है, छोटे वाला बॉटल होता है, उसको काट दिया, उसमें डाला ये फ्लावर और ये हो गया मेरा फ्लावर पॉट जो था एक पेन स्टैंड पहले। और उसके बाद है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिन ये सारी जो चीज़ें बनी है, ये तो बनी है सारी वेस्ट मटेरियल। मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो चीज़ जिसके लिए मुझे धागा खरीदना पड़ा, पर बाकी सारा फ्री। दिस इज माई फेवरेट थिंग। ये है वॉल डेकोर, ये है मैक्रेन थ्रेड से बना हुआ है। इसको बनाने में मुझे एक ही दिन लगा। ये वॉल हैंगिंग है, आप इसको दीवार पे लगा सकते हो ऐसे, कुछ नहीं करा है, बस एक जो लकड़ी है ये भी बाहर से उठा के लेके आई थी और ये से बस हैंड से घुमाते हुए बांधते हुए बनाए हैं। और उसके बाद मैंने बनाया एक बड़ा पर्स। ये पर्स थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। अच्छा है, छोटा सा सीलिंग बैग है, आप कहीं भी ले जा सकते हो इसको। अगर छोटी सी जगह पे जा रही हो, अगर ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है, काफ़ी स्पेशियस भी है। इसमें फ़ोन आ जाता है और छोटा सा पर्स भी आ जाता है और आप इसको ऐसे साइड में कैरी कर सकते हो। लेट मी शो यू, ऐसे करके कैरी करके ले जा सकते हो और इसमें काफ़ी सामान ले जाता है। इयररिंग्स, पहले एक मेटल वाली इयररिंग्स थी मेरे पास पड़ी हुई, उसके बाहर से जस्ट मैंने ये जो थ्रेड है इसको लगाया है और ये सच में बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको काफ़ी बार ऐसे बाहर के लिए भी पहन के गई हूँ। साथ मैंने और भी दो इयररिंग्स बनाए हैं, ये उससे बड़ा है साइज़ में। तो मैं अगर ऐसे हाई पॉइंट करूँ तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। बड़े हैं मेरे लिए, पर कभी मन करे कि आपको बड़े बड़े इयररिंग्स डालना है या कोई ड्रेस है पार्टी के साथ तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छे जाएंगे। और इसके साथ मैंने एक और भी बनाया है, लेट मी शो यू दिस। दिस आर द प्रीटी क्यूट स्मॉल लिटिल इयररिंग्स, इसको सूट के साथ पहन लो। एक और चीज़ बनाई है जो कि है वॉल डेकोर, ये है वॉल हैंगिंग और ये बनी है वेस्ट मटेरियल से। इसमें जो ये ऊपर जो बोर्ड है वो जो केक आता है तो उसका जो डब्बा होता है उससे बना हुआ है बॉक्स से। और जो ये है ये बनी हुई है चूड़ी से, इसमें चूड़ी है और बाहर से हमने कपड़ा लगाया और इसको ऐसे बांध दिया है और ये बन गया है वॉल हैंगिंग। एंड मुझे ड्रीम कैचर बहुत पसंद है तो वो मुझे मिला नहीं कहीं पर, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही बना लिया जाए। तो मैंने ये ड्रीम कैचर बनाया है, ये जो रिंग है, मुझे रिंग भी नहीं मिली तो मैंने जो मेरे पास बड़े बड़े इयररिंग्स पड़े हुए थे तो ये इयररिंग्स है और जो साइड में लटकन जो है वो है दुपट्टे का। तो ये भी एक तरह से सारा ही वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है ड्रीम कैचर। दिस माई फाइनल आर्ट पीस, इस पर लिखा हुआ है फेथ लव ग्रेटिट्यूड पीस। ये भी बना है वेस्ट मटेरियल से। जब हम कभी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके साथ जो बॉक्स आता है ना, तो ये उन बॉक्सेस से बने हुए हैं और इस पर मैंने पेंट करा और हमने ये लिख दिया। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने खुद बनाई हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और इन सब में से व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग वो भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।